I would now like to welcome our director Rajesh ji to probably say some words. Rajesh ji, on to you. नमस्कार दोस्तों, हेमंत जी और जयदीप भाई, आपने काफी इंसाइट दिया है, चैनल पार्टनर्स नेटवर्क जो है हमारा, उनके साथ में हमारा संबंध वर्षों का और बड़ा गहरा हुआ है और गहरा होते जा रहे हैं। इसके बेनिफिट जो हैं हमको तो काफी मिले हैं, क्योंकि हमारा काफी परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है चैनल पार्टनर के थ्रू हो रहा है और इसको इसका हमको बहुत आनंद भी है। आज अगर बात करें कि ये जो COVID-19 आया है उसके बाद में क्या लाइफ होगी, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ब्लेजिंग इन डिसगाइज। इसीलिए कि आज की तारीख में अगर हम देखा जाए तो 3 से 5 साल तक चैनल पार्टनर्स, आप सब जानते हो कि हमारी इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज लास्ट 3 से 5 साल से किस तरह से गुजर रही थी, उसका थोड़ा थोड़ा जो पॉजिटिविटी है वो लास्ट 3, 4, 5 क्वार्टर से हम देख रहे थे और उसके रिजल्ट्स आ रहे थे। ऑल ऑफ सडन जो है COVID-19 ने डिसरप्शन किया है, बट ये डिसरप्शन जो है वो परमानेंट नहीं है, लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म में चलेगा, मीडियम टर्म में नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। अगर इसको हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, हमारे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो क्योंकि इंडिया की स्टोरी जो है उसका ऑप्टिमिज्म जो है, या रियल एस्टेट का ऑप्टिमिज्म है, वो अब उसका जो है बढ़ गया है। किस लिए बढ़ गया है, इंडिया का ऑप्टिमिज्म कैसे बढ़ गया है कि आज अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लाई चेन जो था, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, वो पूरे पूरी दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड था। अब ये आने के बाद में, COVID-19 आने के बाद में, लोगों का या हर देश का ये अपना एक तरीका रहेगा कि हम डिसेंट्रलाइज करें अपनी सप्लाई चेन को, एक के ऊपर हमारा ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, और ये अगर नहीं होता है तो उसके लिए इनको दूसरी सप्लाई चेन देखनी पड़ेगी, और जिसके अंदर इंडिया को काफी फायदा हो सकता है। ये जितने भी वेबिनार्स या जितने भी डिस्कशन हमने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, उसमें से बहुत क्लियरली ये डिफाइन हो रहा है। और ये जब हो रहा है तो साथ में रियल एस्टेट, आज सबको समझ में आ गया कि घर की अहमियत क्या है, घर क्या मायने रखता है एक आदमी की लाइफ के अंदर, और उसके कारण इसकी अहमियत बढ़ गई है। दूसरे अभी इकोनॉमिकल रीजंस भी हैं क्यों आज हमको घर लेना चाहिए या नियर फ्यूचर में लेना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हेमंत जी ने कहा कि कम हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, लास्ट 3 से 5 साल के अंदर देखेंगे तो रेट स्टेबल रहे, कहीं ना कहीं कम हुए हैं, सैलरीज का जो परसेंटेज रहता है, ये सब को ध्यान में रखेंगे तो आज की तारीख में हम सब की कैपेसिटी या हमारे सब कस्टमर की कैपेसिटी जो बाय करने की है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो दूसरा अगर देखा जाए तो आज की तारीख में इन्फ्लेशन देखें, फ्यूचर देखें, तो क्या होगा, आज अगर 6% एप्रिसिएशन कोई एक्सपेक्ट करता है तो उसको 12 साल मिलता है डबल होने के लिए, तो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये पोटेंशियल है कि नहीं। जैसे रियल एस्टेट शेयर बाजार में बोलते हैं कि बॉटम किसी को नहीं समझता है, बट हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज हमको और आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि इट इज एज गुड एज बॉटम आउट ओनली, यहाँ से नीचे जाने का कोई चांस दिखता नहीं है। अगर ये नीचे गया तो रियल एस्टेट डेवलपर को कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा कि वो बनाए और मार्केट में वो प्रोडक्ट को लेके आए, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है उसके लिए, और जो एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं रहती है वो एक्टिविटी धीरे धीरे करके उसकी सप्लाई कम हो जाती है
और डिमांड और सप्लाई को मैच करने का एक पॉइंट आ जाता है कि जहां पर वो सस्टेनेबल या इंसेंटिवाइज होना ही चाहता है, क्योंकि दो पैसा उसको मिलेगा नहीं तो वो करेगा क्यों। ये एक इकोनॉमी का रीजन है और इसी तरह से चलता है ये दुनिया। ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन रहेगा, हमको रहेगा, आपको रहेगा, सबको रहेगा, बट प्राइस का क्राइटेरिया की जगह पे अब लोग वैल्यू को ध्यान देंगे। वो देखेंगे कि वैल्यू क्या है इसके अंदर, आज मुझे क्या मिल रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो मिल रहा है तो वो लेगा, और इसके लिए उसके क्राइटेरिया जो है कि कौन बिल्डर जो है वो कंप्लीट कर पाएगा, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वही सजेस्ट करो कि जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है कि इसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका ब्रांड, उसके लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग, ये सबको आपको देखने का है, क्योंकि आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो और ये आपका एक जवाबदारी बनता है कि आपको उसी चीज को आप सजेस्ट कीजिए। ओवरऑल जिस तरह से मिड टर्म में लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट रहेगा, रोटी कपड़ा मकान हाउसिंग फॉर ऑल, ये गवर्नमेंट का भी एक स्लोगन है, उनकी एक ऑब्जेक्टिव्स है, और ऐसे देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का एक दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि आज की तारीख तक रियल एस्टेट को गवर्नमेंट देखती थी, बट उसका एक जो अलग एंगल है कि आज जॉब क्रिएशन होता है, जॉब की स्टेबिलिटी है, ये इकोनॉमी को स्पीड कर सकती है, और इस सब चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं था, आज उसको रीइंफोर्स हो गया है। उनको भी मालूम है कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज खाली बिल्डर को पैसा कमा के देने वाली नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा काम करने वाली है, और लोगों को जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में वो देखने वाली है। तो वो जो पर्पस है वो तो सोशल पर्पस है, उसमें किसी के फायदे की तो बात ही नहीं है, और गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव ये है। तो ये एक नया डायमेंशन गवर्नमेंट को मिला है, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है, बहुत सीरियसली सोच रही है, और कोई ना कोई इस तरह के मेजर्स आएंगे जिससे कस्टमर को किस तरह से फायदा हो, वो स्टैम्प ड्यूटी हो, GST हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो होम लोन्स के ऊपर, ये सब जो फायदे हैं उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग बाय कर सकें, इसके बारे में गवर्नमेंट ध्यान देगी, और जिसके कारण अपनी इकोनॉमी वापस पटरी पे चढ़ेगी। हम और आप एक साथ में हैं, हमको साथ चलना है, और मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि दोस्ती पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में आपको मैं बता सकता हूं कि हमारे 4 प्रोजेक्ट्स चालू हैं, और विद इन नियर फ्यूचर ओनली 3-4 महीने के अंदर हम दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो अफोर्डेबल रेंज में है और मिड रेंज के हैं, जिसमें आज काफी डिमांड है, ये लेके आ रहे हैं, और आप सबको, हमको भी और आप सबको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे जॉइंट और म्यूचुअल बेनिफिट लेने का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।